हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और मैं आपके साथ हूँ, आपकी टीचर दीक्षा। और कल हमने लेसन फर्स्ट रीड कर लिया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, एक बार इसकी दोबारा से शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देती हूँ। हमारा चैप्टर का नाम है कि भोजन जो है वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो भोजन हमें तीन चीज़ों से, और इसमें कुछ एक वर्ड्स थे, की वर्ड्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि संघटक। संघटक क्या होता है? जो भोजन को तैयार करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो होता है संघटक। और फिर ये एक पॉइंट है कि खाद्य सामग्री और उसके स्रोत, मतलब सोर्सेज का क्या क्या है जहाँ से हमें खाना मिलता है। तो या तो हमें पेड़ पौधों से खाना मिलता है या फिर हमें जंतुओं से खाना मिलता है। इसके अलावा इसमें ये वाली चीज है, ये एक कीवर्ड आता है इधर, खाने योग्य। खाने योग्य क्या होता है? खाने योग्य पदार्थ उसे कहा जाता है जिसको हम खाते हैं और उससे हमें कोई खाने से नुकसान नहीं होता, और उससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर के विकास के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, फिर आता है आपका कि तीन तरह के होते हैं जंतु, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु कौन होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे और उनसे बने हुई चीज़ों को ही खाते हैं, वो होते शाकाहारी जंतु, जैसे कि गाय। और फिर है मांसाहारी जंतु, जो मांस खाते हैं, दूसरे प्राणियों को खाते हैं, वो होते हैं मांसाहारी, जैसे कि शेर, चीता। ठीक है, और फिर है सर्वाहारी, जो दोनों चीज़ों को खा लेते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधों से बनी हुई चीज़ों को भी खा लेते हैं और जो दूसरे जंतुओं को भी खा लेते हैं, दूसरे प्राणियों को भी खा लेते हैं, वो हो जाएंगे सर्वाहारी जंतु। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आज एक्सरसाइज करेंगे इसकी। तो देखो, ये हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स। संघटक मैंने आपको बताया क्या होता है, संघटक जो हमारे भोजन को बनाने के लिए सामग्रियां जो जो यूज होती हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे संघटक। खाद्य क्या होता है? जो हमारा भोजन है, खाद्य चीजें, मतलब जिनको हम खाते हैं। मकरंद क्या होता है? मीठा रस। ठीक है, फूलों के ऊपर होता है, उनको मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं और फिर उनसे शहद बन जाता है। ठीक है, अंकुरित बीज क्या होता है? जैसे हमने मूंग लिए थे या फिर काले चने होते हैं, वो हमने लिए, उनको एक दिन के लिए भिगो के रखो और फिर अगले दिन उनको धो के अच्छे से और फिर एक कपड़े में बांध के रखो, तो उनके ऊपर वाइट वाइट एक अलग सी आपको एक संरचना दिखेगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अंकुरित बीज, जो खाने में बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। फिर है आपका शाकाहारी, जो सिर्फ पौधों या पौधों से बनी हुई चीजों को खाते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। मांसाहारी होते हैं, जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, वो होते हैं मांसाहारी। और सर्वाहारी होते हैं, जो दोनों को खा लेते हैं। ठीक है, सर्वाहारी। तो ये आपके हो गए इम्पोर्टेंट वर्ड्स। इस अब दे रखा है लेसन का सारांश, मतलब जो हमें इसमें कंप्लीट लेसन को पढ़ के हमें जो सीखने को मिला वो चीजें। फर्स्ट पॉइंट है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। विविधता मतलब कि वैरायटीज हैं। तो भारत में बहुत तरीके का खाना खाया जाता है, बहुत तरीके का खाना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट खाना यहाँ पर है। सेकंड है कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? पौधे और जंतु। और जो जंतु केवल पादप खाते हैं उनको हम शाकाहारी बोलते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खा लेते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है इसका, अब है अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स, ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो नहीं, सभी जीव जो है वो अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। ठीक है, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी और जो सर्वाहारी है, वो तीनों ही अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं। तो सभी जीव, धरती पे जितने जीव हों, सब अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है कि पांच पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, जैसे सेब है, सेब का पौधा होगा, उसका फल खाने योग्य होता है। सेकंड है आम, आम का भी फल खाने योग्य होता है। आलू, आलू का हम तना खाते हैं। ठीक है, गाजर, ये एक जड़ है, तो हम गाजर खाते हैं, तो वो एक जड़ खा रहे हैं। फिर है पालक, पालक की हम क्या खाते हैं? पत्तियां। फिर है गेहूं, गेहूं के हम क्या खाते हैं? बीज। और फूल गोभी, फूल गोभी का हम क्या खाते हैं? फूल। तो जो भी पौधे होते हैं, वो मैंने आपको कल बताया था, जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी, वो पहले लेसन को जहां हम रीड आउट करते हैं, आधे से ज्यादा जो आपके अभ्यास के पर्सन है वो वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप पहले रीड जरूर करें लेसन को और फिर आप क्वेश्चन आंसर करने का ट्राई करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा
क्वेश्चन अपने आप भी कर लेंगे। ठीक, तो फिर इस तरीके से हमें पता चल गया क्या चीजें हम पौधों की खाते हैं। किसी का फूल खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी की पत्तियां खाते हैं, किसी का तना खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कॉलम वन में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान करना है हमें कॉलम टू के साथ। जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो वो अपने नोटबुक में नोट करें इन चीज़ों को और बार बार रिवाइज करें। ठीक है, और अगर आपको लगता है किसी आपके दोस्त के पास नहीं है तो उसके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है बच्चे, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, तो ये देखिए दूध दही पनीर घी। ठीक है, तो कॉलम टू हमें किससे मिलता है, सभी जो है जंतु उत्पाद है। ठीक है, सभी जंतुओं से मिलते हैं। पालक फूल गोभी और गाजर ये सब क्या है, सब्जियां। शेर और बाघ ये क्या है, पादप एवं पादप उत्पाद चीजें खाते हैं या फिर दूसरे जंतुओं खाते हैं, तो क्या खाते हैं ये, दूसरे जंतुओं खाते हैं। और शाकाहारी कौन होते हैं, शाकाहारी वो होते हैं जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे कॉलम वन एंड कॉलम टू को मिलाने वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट आप वो करेंगे जो चीज आपको सही से पता है। देखो ये आपको पता है, बहुत बार हम लेसन में देख चुके हैं कि शाकाहारी कौन होते हैं जो पादप एवं पादप से खाते हैं, तो आप इसको फर्स्ट इससे मिलाएंगे। पालक फूल गोभी गाजर के आप सब खाते हैं तो आपको पता है कि ये सब्जियां हैं। जब दो आपके शॉर्ट हो जाते हैं मतलब दो तो आपके 100% ठीक है। ठीक है ना, इस तरीके से आप सोच समझ के क्वेश्चन आंसर कीजिए। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। ठीक है, ये आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको इनमें फिल करना है। तो फर्स्ट है कि बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो मांस खाने वाले कौन होते हैं, मांसाहारी। ठीक है, सेकंड है कि हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए वो क्या है, जो पौधे और पौधों से बनी हुई चीजें खाते हैं वो कौन होते हैं, शाकाहारी। ठीक है, थर्ड है कि तोता केवल डैश उत्पाद खाता है, तो तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। ठीक है, पौधे और पौधे से बने हुई चीजों को ही खाता है। ठीक है, फोर्थ है कि जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस और बकरी से प्राप्त होता है इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो दूध हम पीते हैं वो कहाँ से मिलता है हमें, या तो गाय से, भैंस से या फिर बकरी से। ठीक है, तो ये सब क्या है, जंतु, इसलिए दूध क्या है, एक जंतु उत्पाद है। नेक्स्ट है कि हमें चीनी डैश से मिलती है, हमें चीनी कहाँ से मिलती है, हमें चीनी मिलती है गन्ने से। ठीक है, तो ये थे आपकी एक्सरसाइज जो हमने आज कंप्लीट कर ली है। बहुत इजी थी, इजी इसलिए थी जिन बच्चों ने लेसन को रीड किया होगा उनको समझ में बहुत आसानी से आ गई होगी। ठीक है, तो आप लेसन को जरूर से देखें। तो कल हम करेंगे लेसन टू में आपका नाम है लेसन टू का भोजन के घटक, तो ये हम कल देखेंगे। आज हमने किया लेसन वन। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जरूर 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 शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।